हेलो सो बात करते हैं आईटीसी के। 213 रुपए का स्टॉक है, 1% की बेहतरीन रैली यहां पर देखने को मिली है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो गई है, 10 जून को डिविडेंड दिया जाएगा। कितना डिविडेंड दिया जाएगा बात करेंगे उसकी। और आनंद राठी साहब की तरफ से एक बड़ा टारगेट भी सामने आया है आईटीसी को लेकर के। जो भी समस्याएं आईटीसी में हुआ करती थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है और यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी रैली बनने की संभावना हो गई है। बात करेंगे क्या क्या खबरें हैं हमारे सामने, डिविडेंड कब तक आपके अकाउंट में आ सकता है, किस किस को डिविडेंड मिलेगा और आनंद राठी साहब का क्या टारगेट है, यहाँ पर सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईटीसी की तो 1% की तेजी आज के दिन में देखी गई है हमारे सामने और स्टॉक में लगातार एक फ्लैट चार्ट बनता रहा है। आज भी बहुत बढ़िया तेजी नहीं, क्योंकि जिस तरह का स्टॉक है हमारा, यहाँ पर एक अच्छी रैली की उम्मीद हमें थी। इतना अच्छा डिविडेंड घोषित किया गया है, यहाँ पर रिजल्ट भी ठीक ठाक आएंगे हमारे सामने, उसके बावजूद भी जो रैली है वो बहुत कम आई है। यहाँ पर बात करें अगर हम तो बाजार का मूड भी आज थोड़ा सा अपसेट देखने को मिला। बाजार में भी वीकनेस साफ तौर पर देखने को मिली थी, उसका भी एक असर था हमारे सामने। बट ओवरऑल यहाँ पर खबरें काफी अच्छी आई हैं आईटीसी को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो देखो डिविडेंड 575% का डिविडेंड आपको दिया जाएगा। 10 जून की अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 5.75 रुपए हर एक शेयर के बदले आपको दिए जाएंगे। ओवरऑल 575% का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि काफी बेहतरीन है। यहाँ पर 575 काफी बड़े नंबर्स होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास 250-300-400 शेयर है और थोड़ा बहुत अगर आपका लॉस है तो इस डिविडेंड के बाद लॉस काफी कुछ आपका रिकवर हो सकता है, तो डिविडेंड में उसका फायदा आपको मिलेगा। हालांकि 575% 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से काफी कम होता है अगर उससे कंपेयर करें तो, बट स्टिल जो लॉस वगैरह है अगर आपका, अगर आपने हायर लेवल पर बाइंग कर ली थी स्टॉक में और वहां पर अगर आप फंसे हुए हैं, मान लिया 240 के आसपास, मतलब 215-220 के आसपास बाइंग की है आपने और वहां पर फंसे हुए हो आप, तो इस डिविडेंड से आपको काफी कुछ मिल सकता है। इस डिविडेंड से मतलब आपको काफी लॉस रिकवर हो सकता है, तो उसके लिए यह काफी फायदा करेगा। बाकी अगर आप रुकते हो स्टॉक में तो स्टॉक में रुकने के लिए भी आपके पास एक बड़ी खबर है। आनंद राठी साहब का इंटरव्यू आया, मतलब उनकी रिपोर्ट आई और उसमें रिपोर्ट में साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि आईटीसी के लेकर के बाय रेटिंग है और टारगेट 285 रुपए का दिया गया है। 7 जून की ये रिपोर्ट थी, 8 जून को ये खबर छपी है, यानी कि 7:20 सुबह में। तो दोनों ही खबरें बहुत अच्छी है, चाहे 575% का डिविडेंड रहा हो हमारा, चाहे आईटीसी का टारगेट रहा हो 285 रुपए का, तो दोनों ही खबरें काफी अच्छी है। मुझे लगता है दोनों से यह बेनिफिट मिलेगा। आज का जो टारगेट रहा है, आज का जो चार्ट पैटर्न रहा है, काफी अच्छा चार्ट बना है हमारा और चार्ट का भी आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप स्टे करते हो स्टॉक्स में। तो बाकी रुकने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, 208 का सपोर्ट पॉइंट लेकर के आप रुके रहिए। 215 का पहला टारगेट है हमारे सामने यहाँ पर स्टॉक में, और बाकी ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। RSI 57 का RSI है हमारे लिए, मैग्डी हमारा स्ट्रॉन्गली ब्रिज जोन में, स्टॉक हमारे अपर साइड बन रहे, तो ओवरऑल खरीदारी का चार्ट पैटर्न है, तभी 285 का यहाँ पर टारगेट आया है। 575% का डिविडेंड भी मिलने वाला है। ओवरऑल अगर 10 जून तक आपके पास स्टॉक रहता है तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो खरीदारी करने की मेरी भी सलाह रहेगी, 285 का टारगेट लेकर खरीदारी कीजिए, स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड भी मिलेगा, बाकी बढ़िया बने रहिए इस स्टॉक में, अच्छा खासा पैसा आप इस स्टॉक से कमा सकते हैं। लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए, बाय करना, सेल करना या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, और कुछ पूछना हो तो